जी मुझे तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मेरा नाम जो है वहाँ किसी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर में चला दिया, अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेलीविजन में पढ़ा होगा। क्योंकि अपने खराब हुए ना वो, लेकिन जितने आप नॉर्थ होते हैं चाहने वाले होते हैं वो काफी फिर पूछते रहते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ, आपका तो नाम चला था इसमें तो आपका नाम ही नहीं आया, ऐसे होता ना, तो नहीं आया था। तो मैंने भी अपना दृढ़ निश्चय कर लिया और यहाँ पर मुझे संतरा सभी है, सभी एक विद्वान है, एक शब्द है स्थित प्रज्ञ। तो मैंने अपने आप को स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ले आया, मैंने कहा ईश्वर के अलावा कुछ नहीं, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा कि मुझे कोई पद चाहिए या मुझे कोई जिम्मेदारी चाहिए, मेरे पास जो काम है एक विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं उसी क्षेत्र की सेवा करूंगा और 2022 का जो चुनाव होगा उसका जो भी परिणाम आएगा उसके बाद ही अब मैं देहरादून आऊंगा, अन्यथा मैं देहरादून नहीं आऊंगा बिना किसी काम के। अपना सारे कपड़े लेकर सारे मैंने जितना सामान था सारा मैंने शिफ्ट कर दिया अपने विधान और मुझे तनिक भी एहसास नहीं था कि अचानक जो है ऐसी स्थिति पैदा हुई सभी को हमको देहरादून बुलाया गया, ये भी देहरादून होते महाराज। और एक बार और बताओ महाराज जी, थोड़ी जोर की, कई बार लोगों को लग रहा होगा कि किसी ने मुझे बना दिया, किसी ने कोई कह रहा होगा कि मैं इसके कारण से बन गया, और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक भी आदमी ने न राष्ट्रीय कार्यालय से न प्रदेश के कार्यालय से न किसी नेतागण ने न किसी गुरुजन बंधु ने न किसी शिक्षा बंधु ने किसी ने फोन नहीं करा कि तुम बनने वाले हो। और मैं जब अंदर गया मैं प्रेमचंद मुंशियार तुमने मुझे मेरे से थोड़ा जगह पहले 10 दिन पहले हाँ और मैंने इससे कहा था कि देखो धैर्य रखो सब अच्छा होगा। तो और मेरी पीछे बैठने की आदत है, मैं आगे बैठता नहीं, आपको हर जगह आगे बैठना पड़ता है और मैं भाषण देने में भी बड़ा संकोच करता था क्योंकि मैं आपसे कुछ सीखना भी चाहता हूँ, ये स्वामी जी तो थे नहीं मेरे साथ कहीं। तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, जैसे विधानमंडल दल की बैठक शुरू हुई और वैसे जो है हमारे जो प्रभारी जी आए थे नरेंद्र जी तोमर जी कृषि मंत्री भारत सरकार, उन्होंने कहा कि आज विधानमंडल दल में नेता सदन के लिए एक ही नाम आया है उसका।